हेलो गाइस, वेलकम टू फूडी कुकिंग रेसिपी। आज बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आए हैं। ये झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। सिर्फ इसे हम 10 से 12 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आलू लिए हैं मैंने, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू हैं ये। अभी सभी को मैं छील कर कट कर लूँगी। देखिए, सभी को धोकर छील कर अच्छी तरह से मैंने लंबाई में कट कर लिया है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैंने जीरा डाला है। जीरा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हम जीरा आलू बना रहे हैं। अब इसी के साथ मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटर, थोड़ी सी इससे पहले मैं डालूंगी हींग। हींग ज़रूर से डालिए। और साथ में मैंने डाल दिए हैं दो बड़े टमाटर, इन्हें रफली चॉप करके डाल दिया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, साथ ही मैं डाल दूंगी नमक। इसी के साथ अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अब सारे मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। टमाटर को हमें हल्का हल्का सा सॉफ्ट करना है, बाकी जो टमाटर है हमारे बाद में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे जब हम आलू डालेंगे। देखिए, मसाला हमारा पक रहा है। इसे सिर्फ एक मिनट तक हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने ली है 4-5 हरी मिर्ची, साबुत हरी मिर्ची है। इसको मैंने बीच में से कट लगा लिया था। अब साथ में हम डाल देंगे आलू, सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सारी सब्जी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है मसाले के साथ, आप देख सकते हैं। अब हम इसे ढककर बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर हम इसे कुक होने के लिए रख देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो हमारे आलू हैं काफ़ी अच्छी तरह से पक चुके हैं, इस तरह से ये बन चुके हैं। ये देखिए गल भी गए हैं अच्छी तरह से। अब सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ऊपर से मैं धनिया डाल दूँगी। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकर आएंगे एक और नई रेसिपी, तब तक देखते रहिए फूडी कुकिंग रेसिपी।